अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ़ायज़ा वसीम। ये जो वीडियो सीरीज़ मैं क्रिएट कर रही हूँ, बेसिकली ये स्पेशली मेहरान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए हैं। और लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को रिसर्च प्रपोज़ल दिखाया था। इस वीडियो सीरीज़ को बनाने का मकसद इतना है कि अगर आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं मेहरान यूनिवर्सिटी से और आपका रिसर्च वर्क चल रहा है, तो रिसर्च वर्क में क्या प्रोसीजर है जो कि आपको फॉलो करना पड़ता है, कौन कौन से स्टेप से आपको गुजरना पड़ता है। सबसे इनिशियल स्टेप मैंने आप लोगों को बताया था कि उसमें आपको रिसर्च प्रपोज़ल सबमिट करवाना पड़ता है। रिसर्च प्रपोज़ल का टेम्पलेट क्या होना चाहिए वो मैंने आप लोगों को दिखाया था। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट हो, आप किसी और डिपार्टमेंट के भी अगर हैं लाइक टेलीकॉम, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तो भी ये वीडियो सीरीज़ आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है, क्योंकि स्टेप्स यही आपको फॉलो करने पड़ते हैं। स्टार्टिंग में आपको प्रपोज़ल सबमिट करवाना पड़ता है, देन आपकी इनिशियल प्रेजेंटेशन होती है, देन फाइनल प्रेजेंटेशन होती है, रिसर्च पेपर आपने पब्लिश करवाना होता है, और फाइनली आपको थीसिस सबमिट करवाना होता है। तो यहाँ पर मैं आप लोग को टेम्पलेट्स दिखा रही हूँ कि आप लोग किस किस तरह से रिसर्च कर सकते हैं। जो मेरी रिसर्च थी वो डेटा माइनिंग से रिलेटेड थी, और उसमें मैंने इनिशियल प्रेजेंटेशन किस टाइप से बनाई थी, कौन कौन सी मेन हेडिंग्स मैंने ऐड की थी, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है आपकी इनिशियल प्रेजेंटेशन PPTs डिज़ाइन करने में। ओके, टाइटल यहाँ पर मेरा चेंज हो गया था। जब मैंने प्रपोज़ल सबमिट करवाया था तो मेरा कुछ और टाइटल था, अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ एजुकेशनल डेटा माइनिंग एन एक्सटेंसिव लिटरेचर रिव्यू। जब मैंने प्रपोज़ल सबमिट करवाया तो उसमें थोड़ी बहुत मुझे करेक्शंस करने के लिए दिए, मुझे मेरा टाइटल चेंज करने के लिए दिया। तो जब इनिशियल मैंने प्रेजेंटेशन दी तो मेरा टाइटल चेंज हो चुका था, अ ब्रीफ एनालिसिस ऑन एजुकेशनल डेटा माइनिंग टेक्निक्स, चैलेंजेस एंड देयर एप्लीकेशन एरियाज़। अच्छा, काम मेरा सेम था, जो मेथडोलॉजी मैंने प्रोवाइड की थी वो मैंने सेम अप्लाई करनी थी, मेरा कॉन्सेप्ट सेम था, लेकिन बस टाइटल यहाँ पर चेंज हो गया था। नेक्स्ट स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड पर आपने अपना टाइटल रखना होता है, देन सेकंड स्लाइड आती है। सेकंड स्लाइड में यहाँ पर मैंने अपना नाम, रोल नंबर, सुपरवाइज़र का नाम, दैन डिपार्टमेंट नेम, आप जिस भी डिपार्टमेंट के वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे, आप अपने सुपरवाइज़र का नाम ऐड करेंगे, आपका नाम, आपका रोल नंबर और आपका रिसर्च टाइटल। देन नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अगर मैं चलूँ तो मैंने कौन कौन से यहाँ पर हेडिंग्स ऐड की हैं, इंट्रोडक्शन दिया है PPTs में, ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन की है कि कौन सी प्रॉब्लम है जिसके ऊपर हम काम करके जो है वो रिजल्ट्स लेंगे, देन हमारा इस रिसर्च करने का मेन ऑब्जेक्टिव और एम क्या है, लिटरेचर रिव्यू हमने किस टाइप से किया है, ठीक है, कहाँ कहाँ से कौन कौन से पेपर्स आपने कलेक्ट किए, देन आपके रिसर्च क्वेश्चंस क्या हैं, उनके एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या हो सकते हैं, देन आपका रिसर्च वर्क स्टेटस यहाँ पर आपने दिखाना होता है इनिशियल प्रेजेंटेशन में, कि आप कितना काम कर चुके हैं, कितना आपका रिमेनिंग अभी बाकी है, देन कॉन्क्लूजन एंड रेफरेंसेज। यहाँ पर ये मेन हेडिंग्स जो मैंने ऐड किए हैं आप इस टाइप से ऐड कर सकते हैं अपने रिसर्च के हवाले से, लेकिन आप यहाँ पर थोड़ी बहुत चेंजेस भी कर सकते हैं, कुछ आप यहाँ पर ऐड करना चाहें, कुछ रिमूव करना चाहें तो वो भी। इंट्रोडक्शन सबसे पहले हेडिंग है हमारे पास, इंट्रोडक्शन में मेरी जो रिसर्च थी वो एजुकेशनल डेटा माइनिंग से रिलेटेड थी, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर डेटा माइनिंग को डिफाइन किया है कि डेटा माइनिंग क्या होता है। अब आपकी रिसर्च जिस भी टॉपिक से रिलेटेड है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप सिमेंटिक वेब के ऊपर रिसर्च करें तो आप इंट्रोडक्शन में क्या बताएंगे, सबसे पहले इनिशियली आपको यही बताना होता है कि सिमेंटिक वेब क्या होता है, या अगर आप किसी और डिपार्टमेंट पर काम कर रहे हैं, किसी और डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं, किसी और मतलब किसी भी टॉपिक पर काम कर रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन में पहले आप उसकी बेसिक चीज़ों को डिफाइन करेंगे, ठीक है। देन इंट्रोडक्शन के अंदर ही जो मेरा मेन टाइटल था एजुकेशनल डेटा माइनिंग, पहले मैंने डेटा माइनिंग को डिफाइन किया, देन मैंने एजुकेशनल डेटा माइनिंग को डिफाइन किया स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल इनिशियल लेवल से आपने हर चीज़ को डिफाइन करना इंट्रोडक्शन में। देन यहाँ पर मैंने एजुकेशनल डेटा माइनिंग में के मेन गोल्स क्या होते हैं एकेडमिक फील्ड के अंदर वो बताए हैं इंट्रोडक्शन के अंदर ही। उसके बाद इंट्रोडक्शन में ही हमने डेटा माइनिंग टेक्निक्स को यूज़ किया है जो कि EDM के अंदर यूज़ हो सकती हैं। एजुकेशनल डेटा माइनिंग की टेक्निक्स लाइक क्लासिफिकेशन पर काम कर सकते हैं आप, क्लस्टरिंग पर काम कर सकते हैं, रूल माइनिंग पर काम कर सकते हैं, ये सब क्या है, ये टेक्निक्स है, तो ये भी मैंने इंट्रोडक्शन के सेक्शन में ही ऐड किए हैं, ठीक है। देन मैंने डेटा माइनिंग टूल्स बताए हैं कि डेटा माइनिंग के ऊपर अगर आप काम करना चाह रहे हैं कौन कौन से टूल्स पर आप काम कर सकते हैं। अगर आप डेटा माइनिंग पर काम कर रहे हैं तो आप डिफरेंट सेक्टर्स में कर सकते हैं, हर फील्ड में कर सकते हैं, मैंने एजुकेशनल सेक्टर के ऊपर किया था, ठीक है। आप हेल्थ के ऊपर आ सकते हैं, आप मेडिकल की कोई डेटा सेट उठा सकते हैं, आप स्टूडेंट्स का
मैंने स्टूडेंट्स का उठाया था। आप मतलब कहने का मकसद ये, आप किसी भी फील्ड में किसी भी सेक्टर में काम कर सकते हैं डेटा माइनिंग के ऊपर, तो उन डेटा सेट्स को उठाकर कौन कौन से टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं उनमें से डेटा उनमें से पैटर्न्स डिस्कवर करने के लिए, वो मैंने यहाँ पर टूल्स डिफाइन किए हैं, ठीक है। देन प्रॉब्लम स्टेटमेंट आती है, क्या प्रॉब्लम हमारे सामने आई जिसकी वजह से हम इस फील्ड पर इस सेक्टर पर काम करना चाह रहे हैं। यहाँ पर मेरा दिखाने का मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं आपको अपनी इनिशियल प्रेजेंटेशन दिखा रही हूँ। दिखाने का मकसद सिर्फ आपके जहन में ये आइडिया प्रोवाइड करना है कि अगर आप अपना इनिशियल PPTs डिज़ाइन करें तो आप कौन कौन सी हेडिंग्स डाल सकते हैं, आप कौन कौन सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आप ये बताएंगे कि ये प्रॉब्लम अकर हुई तो मेरा मेन मकसद ये है कि मैं इस टॉपिक पर काम कर रहा हूँ। और मोस्टली यही क्वेश्चन आपसे इनिशियल प्रेजेंटेशन में, फाइनल प्रेजेंटेशन में, जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, आपसे यही क्वेश्चन किया जाता है कि आपने ये काम इस फील्ड पर ही क्यों किया, क्या इसके ऊपर पहले दूसरा काम नहीं हुआ था, क्या इसके ऊपर पहले रिसर्चेस नहीं थी। तो वहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता दें कि ये प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैंने ये रिसर्च, ये टॉपिक उठाया। देन आपके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आप डिफाइन कर सकते हैं अपनी PPTs में। देन मैंने ऐड किया है लिटरेचर रिव्यू का सेक्शन। लिटरेचर रिव्यू में आप क्या करेंगे, आपसे रिलेटेड जो पहले काम हो चुका है आप वो पेपर्स कलेक्ट करेंगे, उनका रिव्यू करेंगे और वो आप अपने लिटरेचर रिव्यू के सेक्शन में ऐड करेंगे, ठीक है। देन रिसर्च क्वेश्चंस का सेक्शन मैंने ऐड किया। रिसर्च क्वेश्चंस मतलब कि कौन कौन सी क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स मुझे मेरी रिसर्च में चाहिए, जिनके आंसर्स मैं डिस्कवर करूँगी। आप अपने रिसर्च के हिसाब से कि भाई मुझे ये आउटकम्स मेरे निकलेंगे, ये रिजल्ट्स मुझे मिलेंगे, उसके हिसाब से आप अपने रिसर्च क्वेश्चंस बना सकते हैं, राइट। देन मैंने अपना रिसर्च वर्क स्टेटस शो करवाया कि मेरा प्रपोजल सबमिट हो गया था, मेरा अब इनिशियल प्रेजेंटेशन दी, तो मेरा कितना काम हो चुका है और मेरा क्या क्या काम रिमेनिंग है जो कि मुझे फाइनल प्रेजेंटेशन तक करना है। क्योंकि आपको इनिशियल और फाइनल के दरमियान 6 मंथ्स का गैप मिलता है, उन 6 मंथ्स के अंदर आपको अपने तमाम काम कंप्लीट करने होते हैं, अपने तमाम रिजल्ट्स लेकर और सारे पेपर वगैरह पब्लिश करवा कर ये सब कुछ करना होता है। तो आप अपना स्टेटस भी शो करवा सकते हैं इनिशियल प्रेजेंटेशन में कि मेरा इतना काम हो चुका है, अभी ये काम रिमेनिंग है। फाइनली कंक्लूजन आपके रिसर्च का और फाइनली रेफरेंसेस, ये इनिशियल प्रेजेंटेशन में PPT अगर आप बना रहे हैं तो ये टॉपिक्स आप, ये हेडिंग्स आप ऐड कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये PPT आपको हेल्प करेगी आपकी इनिशियल प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करने में। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, फाइनल प्रेजेंटेशन के टॉपिक के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फाइनल PPTs दिखाऊंगी और अगर आपने वो वीडियो वॉच करनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड अगर वीडियो आपने नहीं देखी तो आप वो भी वॉच कर सकते हैं हमारी वीडियो सेक्शन में जाकर। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।